बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट किया था। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे बुक के हिसाब से, वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्या है आपके पास अगला टॉपिक? ऑपरेशन ऑन सेट्स। अच्छा, ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ने से पहले आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना आना चाहिए। मेरे ख्याल से आप 7 में पढ़ के आए हैं, यकीनन सबको आता होगा, फिर भी मैं आपकी आपके लिए थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ इस चीज को। यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ए एक 1, 2, 3 है, एक सेट है। बी आपके पास एक सेट है, 3, 4 और 5 है। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालना है, ए चले इंटरसेक्शन पहले करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन को उल्टा यू से शो करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, तो ए को पहले लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन की साइन, फिर बी लिखेंगे 3, 4 और 5। तो आपको पता है इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो सेम नंबर्स हैं उसको लिखते हैं, सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो इन दोनों में सेम आपके पास क्या है, जो कॉमन जो एलिमेंट है वो 3 है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 3 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ गया बेटा? 3 आ गया। तो ये इंटरसेक्शन ऐसे निकालते हैं, ये तो सबको पता होगा। इसी तरह ए यूनियन बी, ये हमने क्या निकाला? इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन। इसी तरह यूनियन कैसे निकालेंगे? अब वही सेट हम लेंगे और ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए आपके पास क्या चीज है? 1, 2 और 3। ए आपके पास 1, 2, 3, फिर यूनियन का साइन लगा दिया, यूनियन के लिए उल्टा यू ही लगाते हैं, कैपिटल, और 3, 4 और 5 भी हमारे पास है, 3, 4, 5। तो ए यूनियन बी क्या आएगा यहां पे? ए यूनियन बी में आपने सबको साथ लिखना है, जो कॉमन है उसको एक दफा लिखना है और जो कॉमन नहीं है उन सबको एक एक दफा लिखना है। तो कॉमन यहां पे हमारे पास सिर्फ 3 है, तो इधर जाएगा 1, 2, 3 और 3 तो आ गया, फिर 4, 5। तो ये आंसर जो आएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये ए यूनियन बी आ गया, ये आपको आना चाहिए और ये हमने 7 में भी पढ़ा हुआ है। तो आज का मेन जो टॉपिक है वो ऑपरेशन ऑन सेट्स है। तो बेटा आपको मेरे ख्याल में यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना तो आ गया होगा, हमने रिवाइज किया है ये बहरहाल, क्योंकि ये सब आपने 6, 7 दोनों में पढ़ गया है, दोनों क्लासेस में। ऑपरेशन ऑन सेट्स में पहला जो है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, एक इंटरसेक्शन का भी है, एक यूनियन का भी है। तो ये क्या चीज है? अगर दो फर्ज करें आपके पास दो सेट है ए और बी, तो अगर आप ए यूनियन दो सेट है आपके पास, एक ए दूसरा बी, तो अगर ए और बी का अगर यूनियन निकालेंगे तो हमेशा बराबर आएगा बी यूनियन ए के। ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो बराबर आएगा बी यूनियन ए के, वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी होगा। यूनियन एंड इंटरसेक्शन में साथ ही लिखता होता है कि टाइम आपका बच जाए, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का क्या होगा? ये यूनियन का हो गया, अब इंटरसेक्शन का होगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। ये कम्यूटेटिव लॉ है, यकीनन आप समझ चुके होंगे कम्यूटेटिव लॉ को। इसके बाद अगला आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ के बाद एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, हम फिर दोबारा दोनों को साथ पढ़ेंगे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसमें आपके पास फर्ज कर 3 सेट है आपके पास, आपके पास कितने सेट्स हैं? 3 सेट ए बी और सी। फर्ज करें आप ए यूनियन निकालें, 3 सेट है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। मिसाल आप पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर बाद में ए यूनियन ए के साथ यूनियन निकालेंगे, वो हमेशा बराबर आएगा। पहले आप ए यूनियन बी को निकालें,
बाद में यूनियन सी निकाले तो वो ये दोनों रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इंटरसेक्शन का भी यही है, अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो आपके पास वो बराबर होगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी पहले आप निकालें बाद में इंटरसेक्शन उसका रिजल्ट के साथ सी का इंटरसेक्शन निकालें तो ये रिजल्ट दोनों भी सेम आएगा। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये यूनियन का है ये इंटरसेक्शन का है। मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं बेटा ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए ये लॉस वगैरह। इसके बाद दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पहले कम्यूटेटिव लॉ पढ़ लिया, फिर एसोसिएटिव, फिर तीसरा आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है बेटा, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों शामिल है। फर्स्ट क्लास आपके पास तीन सेट है, आप अगर बी इंटरसेक्शन सी निकाले पहले, बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाले फिर उसके बाद यूनियन निकाले, वो एज इट इज सेम होगा, रिजल्ट सेम आएगा कि अगर आप ए यूनियन बी निकालें फिर ए यूनियन सी निकालें फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो बिल्कुल यही चीज आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन का भी है। इसमें क्या है आपके पास बी, पहले आप बी यूनियन सी निकालेंगे फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ, वो सेम रिजल्ट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालेंगे फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे फिर उन दोनों का यूनियन निकालेंगे। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास। इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके पास इस चैप्टर नंबर वन में सेट में जो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके पास वो है डी मॉर्गन्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। यही चीज आप एट में अभी ये चीज भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे आप। डी मॉर्गन्स एक साइंटिस्ट था जिसने एक इंपॉर्टेंट लॉ उसने मतलब लॉ को उसने पुट फॉरवर्ड किया है मतलब, तो वो लॉ है आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ। हम इधर लिखते हैं पहले डी मॉर्गन्स लॉ को, डी मॉर्गन्स दो लॉ है उसके पास, हम इसको डी मॉर्गन लॉस लिखते हैं चलें। तो उसके लॉ के मुताबिक क्या है आपके पास, मिसाल आप पहले आप मिसाल के तौर पर ए यूनियन, मिसाल के तौर पर ए यूनियन बी निकालेंगे, आपके पास कोई भी दो सेट है ए और बी, ए और बी दो सेट है और उसका ए यूनियन बी निकालेंगे उसका होल कंप्लीमेंट होगा, अगर निकालें तो वो बराबर होगा ए के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के। तो पहला लॉ तो ये है इसका, इसी तरह उसका दूसरा जो लॉ है ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कंप्लीमेंट निकालें, ए इंटरसेक्शन बी का अगर कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वो बराबर होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट के। तो कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, इसको याद रखने का आसान सा तरीका है कि आप पहले ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट निकालेंगे तो दूसरे साइड पर आप इंडिविजुअल कंप्लीमेंट लेंगे और यहां पर यूनियन है तो वहां पर इंटरसेक्शन होगा। देखो याद रखने का आसान तरीका, फर्ज कर आपने ए यूनियन बी लिख दिया और उसको होल कंप्लीमेंट लिखा, तो एक तरफ आपने यूनियन लिखा है तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन लिखना है, दूसरी तरफ इधर यूनियन लिखा है तो दूसरी तरफ हमने इंटरसेक्शन लिखना है, इधर होल कंप्लीमेंट लिखा है तो दूसरी तरफ आपने इंडिविजुअल अलग अलग कंप्लीमेंट लगाना है, और फर्ज कर यहां पे आपने इंटरसेक्शन लिखा है और उसके ऊपर होल लगाया है तो दूसरी तरफ आपने यूनियन लिखना है और उसके अलग अलग आपने उसके ऊपर कंप्लीमेंट लगाना है। तो ये है आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ।